शहर में पता ही नहीं क्या हो गया, बार बार हवा कम हो जा रही है। तो अभी हवा बढ़वा रहे हैं इसमें। मालिक अंदर बैठे। वेलकम बैक टू अनदर ब्लॉग। और आज हमारे साथ हैं मालिक। जैसे कि मैंने दिखाया था, अभी हवा बढ़ रही थी, ये बोलता है नहीं। तो अभी यार पेट्रोल के लिए इसने पैसे दे दिए, तो मुझे पता नहीं, मेरी कॉल आ गई थी, मैंने पेट्रोल बढ़वाई नहीं और गाड़ी चला दी। कह रहे हैं अभी पेट्रोल तो बढ़वा ले। तो अभी पड़ गया है, अब चलने चलो। आजकल बहुत अच्छा हो रहा है। जैसे अभी इधर धूप हो रही है, थोड़ा सा आगे आप देख रहे होंगे रोड पे सामने, आगे छाई हो रही है, अलग ही मौसम है। बाकी सफ़ेद बादल हैं, इधर ब्लू हो रहे हैं भाई, अलग ही टोन आ रही है। अब देखो यहाँ पे छाई में आ गए, पीछे धूप थी। नेचर भाई, मज़ा आ रहा बहुत। तो अभी आ गए हम नेशनल हाईवे पे भाई, कुछ देर NH24, कुछ देर मज़ेदार है। सिद्धू भाई को याद करते हुए, देख रहे हैं आप शेड, देख रहे हैं धूप का मतलब। अब इधर छाई आ गई है, उधर साइड में धूप है, बाकी ब्लू और वाइट। वाओ मस्त। अब ये देखो आगे धूप दिख रही होगी आपको, देखो यार धूप। अब हम धूप में आ गए, सही है भाई, रॉन्ग साइड में आ रहा है भाई साहब, सही है। बाकी भाई ये बैक साइड में जो है, इधर दिल्ली जाते हैं जिधर हम दिल्ली गए थे, और ये है लखनऊ हाईवे। तो सामने रोड देखो यार, दूर तक क्लियर दिख रहा है, एकदम मस्त। बहुत हाँ, विजिबिलिटी कम से कम 2 किलोमीटर की तो होगी, बहुत मस्त लग रहा है। बाकी ऊपर बादल देखो भाई, ऐसा अगर हमेशा ही रहे ना तो मज़ा ही आ जाए। मालिक की क्या राय है इसमें? हाँ अच्छा लग रहा है, अच्छा लग रहा है ना। चलो पहली बार बोला तो, और कुछ नहीं। सरकारी स्कूल ये बच्चे नहीं लिख पाया ये। बाकी कुछ लोग साइड में खड़े होके मज़े ले रहे हैं, पता नहीं क्या कर रहे हैं। ये ओवरलोड ट्राली ट्रक है। अच्छा ये जो हो रहा है ना रास्ता में, इधर छाई इधर धूप, उधर धूप इधर छाई, इसका मज़ा ही कुछ आ रहा है अलग। बाकी यार आज मैंने शेड नहीं लगाया तो मेरी साइड में बड़ी धूप आ रही है यार। लेकिन मेरे साथ पबजी का शेड बैठा हुआ है। तो इधर का मौसम क्लियर है और इधर ऐसा लग रहा है कि अभी बारिश हो जाएगी भाई। देख रहे हो कितने काले बादल आ गए इधर, हो जाए तो ज़्यादा अच्छा है बारिश, इसीलिए मैंने गाड़ी भी नहीं धुलवाई है, कितनी गंदी है। तो अभी पहुँच के मंजिल पे, फिर वहीं पे होती है बात। थोड़ा सा काम है इसलिए जल्दी जल्दी भाग रहे हैं, ज़्यादा शूट नहीं कर रहा हूँ मैं क्योंकि काम है बहुत अर्जेंट। चलो, तीन तरह का नेचर है भाई, इधर बादल, सामने बिल्कुल प्लेन ब्लू, इधर ब्लैक। मौज कर दी आज तो, मौज कर दी नेचर ने भाई। बाकी जहाँ हम जा रहे थे वो मंजिल आ चुकी है, वो सामने बिल्डिंग दिख रही है, नहीं जाना। ट्रक आ गया, दिख नहीं पाया वो सामने बिल्डिंग, यहीं जा रहे हैं भाई। तो इस हाईवे को बाय बाय कहने का टाइम आ गया है और हमें यहाँ से लेना है राइट अंदर बरेली के लिए। हम लेंगे राइट तब पहुँचेंगे डेस्टिनेशन पे। ओके ऑटो के पीछे लगा दो। चल भाई ऑटो के पीछे लगा देता हूँ, छाई में यहीं लगा देते। तो ये है इन्वर्टीज़ यूनिवर्सिटी, यहीं हमें काम था, मतलब अब्दुल को काम था थोड़ा सा। तो अब्दुल था पहले छोटी बच्ची, अब ये अपनी मार्कशीट लेने आया। तो अभी चल रहे हैं सीधे अंदर डिपार्टमेंट में, मार्कशीट लेते हैं पहले, यहाँ से एडमिशन करवा लेते। तो अब्दुल अभी गया है वहाँ कंट्रोलर रूम में और मैं कर रहा हूँ उसका बहुत वेट, तो अभी आ जाए फिर चल रहे थोड़ा सा रूम। बाकी लैंग्वेज लैब, ये सारे लैब्स हैं इधर, ये फैशन लैब्स, कुछ काम चल रहा है अभी। तो अभी अब्दुल को लग रहा था थोड़ा टाइम, तो मैंने सोचा यार थोड़ा इन्वर्टीज घूम लिया जाए जब तक। तो मैं जब तक घूम रहा हूँ थोड़ा सा, वो अभी ऊपर ही है लैब में, तो मैं जब तक सोचा मैं भी घूम लूँ, आपको भी दिखा दूँ थोड़ा इन्वर्टीज। मैं पहले आ चुका हूँ वैसे यहाँ पर, लेकिन मैं ब्लॉगिंग नहीं करता था, मतलब तब मैं ब्लॉगिंग नहीं करता था, अब कर रहा हूँ। मस्त बिल्डिंग्स हैं यार, मौसम मस्त हो रहा बहुत। अभी मैं दिखाता हूँ यहाँ का सेल्फी पॉइंट, मतलब जहाँ पे बच्चे ज़्यादातर फ़ोटो खींचते हैं इन्वर्टीज़ के, जो इन्वर्टीज़ से हैं उन्हें पता ही होगा कहाँ पे खींचते हैं। बोलो अभी दिखाता हूँ,
खड़ी है यार, पैदल तो घूमते घूमते थक जाओगे यहाँ पे। तो जहाँ से मैं हाईवे से दिखा रहा था ना, उधर से ही स्टार्ट हो जाती है, क्योंकि हॉस्टल वगैरह सभी कुछ है, सारी चीज़ें हैं, सब ब्रांचेज हैं यहाँ पे। तो ये रहा सामने, यहीं पे फ़ोटो खींचते हैं ज़्यादातर लोग। बाकी पेट्रोल पंप भी है यार यहाँ पे, पता नहीं चलता नहीं चलता। ये है यहाँ पे, बहुत लोगों के फ़ोटो देखे मैंने। चलो हम भी सेल्फी ट्राई करते हैं, क्योंकि कोई क्लिक करने वाला तो है नहीं, सेल्फी लेते हैं। चलो, वो रही सामने कैंटीन। यहाँ पे मतलब ऐसे ही जगह जगह लगा रखी है सब जगह की लोकेशन की, कहाँ पे क्या है, क्योंकि बड़ा बहुत है ना, इसलिए सब जगह लिख रखा है कि कहाँ से किधर जाना। चलो धूप बहुत तेज़ हो रही है, वहीं चल रहे हैं, हो सकता है अब तक तो निपट गया होगा उसका काम, कॉल तो की नहीं वैसे उसने अभी। जितने भी काम करने वाले हैं सबको एक एक ड्रेस दे दी है। गर्मी बहुत है तो मैं यहीं पार्क में बैठ गया हूँ, संजीव पार्क, वहाँ पे लिखा हुआ है। यहाँ पे मस्त हवा लग रही है, ऊपर तो बहुत गर्मी है अभी, पता नहीं देखो कितना टाइम और लगे। कुछ ऐसी है मार्केट बढ़िया क्वालिटी की, अभी धूप थी यहाँ पे कुछ सही है भाई, पेड़ ही पेड़ है। बाकी इसका कोर्स तो कंप्लीट हो चुका है, फर्स्ट डिवीज़न बनी है, कॉन्ग्रेचुलेशन बोल दो ब्रो को। बाकी इसे अलविदा कहने का टाइम आ गया ना इस यूनिवर्सिटी को, तो लास्ट बार मुझे भी ब्लॉग, अपना जो ब्लॉग है डिपार्टमेंट है इसका, वो दिखा रहा है, अब ख़ुद भी देख लेगा। तो चलो सीधे उधर ही मिलते हैं, एमबीए का डिपार्टमेंट है। चलो यही है, तो ये है भाई का ब्लॉग, अकेडमिक ब्लॉग 3। तो अभी मालिक कुछ बताने वाले हैं, कौन सा क्लास था भाई? 68 था, एक अच्छा 69, ये दो थे एमबीए। बढ़िया लग रहा है यार ये। तो यहाँ की सारी गाड़ियों का नंबर है 5500, तो लिखा है क्लब SS00, मतलब 5500। बढ़िया चढ़ गए हैं सारे काम, आ गए हैं बाहर, अभी थोड़ा सा घूमेंगे बरेली में और। बाकी सामने खड़ी अपनी जैन रोवर, रेंज रोवर से कम थोड़ी है ये भी। ये आ गई अपनी शिकंजी, तो इसको अपनी यादें ताज़ा करनी थी, तो यही रुका, ये इन्वर्टिस से आता था तो यही पीता था, पी रहे हैं। बाकी भैया लगाते हैं अग्रसेन महाराज कॉलेज जो है वहाँ पे, तो अभी मैं पी के बताता हूँ कि कैसी है, जैसा ये बता रहा वैसी है कि नहीं। मज़ा आ गया सच में यार यहाँ, मतलब इन्वर्टीज आओ या अग्रसेन कॉलेज आओ तो पी सकते हो आप यहाँ पे, बहुत बढ़िया चिकन। तो ये जा रही है बस, ये फरीदपुर से बरेली और बरेली से फरीदपुर जाती है, तो फरीदपुर वालों के लिए काफ़ी अच्छी चीज़ चला दी है, इलेक्ट्रिक बस है ये, इसका किराया भी कम होगा और लग्जरी की लग्जरी यार, बहुत मस्त है ये, तो किसी दिन दूंगा इसका भी, इसमें भी घूमेंगे। चलो काली घटा आई है बहुत प्यारी, बरस भी जाए अब बहुत देर हो गई। हाँ यार भाई, जस्ट पीछे थोड़ी सी बारिश हुई, जैसे कि आपको ये बूंदें दिखती होंगी, अब फिर रुक गई यार, धूप भी है, पता नहीं क्या था भैया, ये 4-5 बूंदें गिरी गायब। आगे ये देखो, अभी हाल हो रहा है होश वाले, कोई दिक्कत नहीं, अपना होश ही ठीक है। लेना था बारिश का मज़ा, तो भाई बारिश तो हो नहीं रही है यार भाई, थोड़ी थोड़ी हो रही, तो इसलिए हमने टेक अवे करवा लिया। इन्हें कैसे तैयार करा है मुझे, ये लगा दिया ऊपर, जिससे जिस चीज़ को हम मिस नहीं करना चाह रहे थे वो चीज़ यही है, बारिश तो आ गई है भाई। घर में बैठ के बारिश का अलग मज़ा है और सफ़र में बारिश का अलग मज़ा है, तो सफ़र वाला मज़ा लेना था इसीलिए हमने टेक अवे किया था। तो चलो भाई इसका मज़ा करते हुए और चल रहे हैं, तो मज़ा तो भाई भीग के ही जाने का है, उसकी बात ही अलग है, लेकिन 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 इस टाइम तबीयत खराब हो जाएगी भाई, भीगने का नहीं है। ज़्यादा देर मज़ा ले नहीं पाया बारिश का यार, मतलब बरेली से निकलते ही बारिश ख़त्म, साफ रोड ऐसा लग रहा है यहाँ तो बारिश ही नहीं हुई भाई, एक बूंद नहीं गिरी है इधर, सारा मूड ख़राब। बाकी बादल तो है काली घटा, देखो आज हो कर लो बारिश, कोई पता नहीं, इधर साफ है यार, इस साइड ये साइड बिल्कुल साफ है। चलो कोई दिक्कत नहीं है, खुदा की रजा में राजी हैं हम। चलो
गया नया नया हाईवे सीधे जहानाबाद। शाम का टाइम हो गया है, घर आ गए वापस। बाकी मौसम कितना बढ़िया हो रहा है, बादल तो हैं लेकिन भाई बारिश नहीं हुई, बस वहीं बारिश हुई। और अगर हम खाने बैठ जाते वहाँ पे तो इतनी भी बारिश भाई नहीं मिलती। सही है भाई, मस्त। कुछ नहीं कर रहा तू अपने क्रेडिट कार्ड के लिए, मतलब मैं अपना तुझे क्रेडिट कार्ड दे रहा हूँ, तू ऑर्डर कर ले जो भी मैं या मैं कर दूँ ऑर्डर। चलो भाई, या मेरी तुम आईडी खोल के कर दो, जैसा चाहो वैसा कर लो। चलो मैं तुम्हारे आईडी में एड्रेस उड्रेस सेव है। चलो मैं ऐसा कर ले जाऊँ, आईडी बताओ। ओके चल रहा है मैंगो जूस, नारे भी पी रहे हैं ना, बातें चल रही हैं गपशप। आज कॉलेज की याद लपेटे पड़े भाई। मैं रात के 11 और हम लोग जा रहे हैं मैगी लेने और बनाएंगे क्या लस्सी, तो लस्सी का भी इंतज़ाम देख रहे हैं। बाकी भाई अपने आगे चल रही है गाड़ी, मैं हूँ स्प्लेंडर पे, ये अपनी बुलेट। तो आज बनाएंगे मैगी और लस्सी चार। बाकी हमारे साथ है मुन्ना भाई बेटी। लस्सी हो गई है अपनी तैयार, रूह अफज़ा डाल दिया है। शेफ साहब चेक कर रहे हैं कैसी है। मीठा नहीं है, मीठा नहीं है, कारीगरी बेशक तो मीठा।